प्रकृति से जोड़ो रिश्ता, यही उपाय सटीक है। क्या डायबिटीज के रोग में सेब खाना ठीक है? मैं नेचुरोपैथिक डॉक्टर रंजीत सिंह इस प्रश्न के उत्तर को अभी क्लियर कर देता हूँ। मॉडर्न साइंस के हिसाब से अगर किसी भी चीज का ग्लाइसेमिक इंडेक्स और ग्लाइसेमिक लोड कम हो तो डायबिटिक पेशेंट को वो चीज जरूर खानी चाहिए, क्योंकि उसे खाने से डायबिटीज कंट्रोल में रहेगी, ब्लड शुगर नॉर्मल रेंज में रहेगा। तो यहाँ बात करते हैं एप्पल की, यानी सेब की। 100 ग्राम सेब में लगभग 12 ग्राम कार्बोहाइड्रेट की मात्रा होती है और एप्पल का ग्लाइसेमिक इंडेक्स 35 के आसपास होता है। इसलिए ग्लाइसेमिक लोड निकालने का एक फॉर्मूला बताया जाता है, ग्लाइसेमिक इंडेक्स मल्टीप्लाई में कार्बोहाइड्रेट डिवाइडेड बाय 100। इस हिसाब से जब आप कैलकुलेशन करेंगे तो 100 ग्राम एप्पल का जो ग्लाइसेमिक लोड है वो 4.2 के आसपास आएगा। मॉडर्न साइंस के हिसाब से ही अगर किसी भी चीज का ग्लाइसेमिक लोड 10 से कम हो तो उसे लो ग्लाइसेमिक लोड फूड कहा जाता है। यहाँ तो एप्पल का ग्लाइसेमिक इंडेक्स भी कम है और ग्लाइसेमिक लोड भी कम है, इसलिए डायबिटिक पेशेंट अपनी डायबिटिक डाइट प्लान में 100 ग्राम एप्पल यानी 100 ग्राम सेब तो खा ही सकते हैं, 150-200 ग्राम भी खाया जा सकता है। लेकिन यहाँ एक सावधानी है, बात यहीं खत्म नहीं हो जाती, आप पूरी बात सुने। तो जब भी आप कोई फल खाएं या एप्पल खाएं, माने कार्बोहाइड्रेट वाली चीजें खाएं, तो इनके साथ में आप प्रोटीन वाली चीजें जरूर खाएं। जैसे आप 3-4 भिगोकर छिलका उतारकर बादाम खा लें, या 2-3 भीगे हुए अखरोट खा लें, या फिर पम्पकिन सीड्स यानी कद्दू के बीज रोस्ट करके खाएं, या अंकुरित चने या फिर अंकुरित मूंग की दाल वगैरह आप इन सब चीजों के साथ खा सकते हैं। ऐसा मैंने क्यों बोला वो आप सबसे पहले समझे। जब आप कार्बोहाइड्रेट वाली चीजों के साथ प्रोटीन वाली चीजें मिक्स करके खाएंगे तो इससे जो ग्लूकोज का एब्जॉर्प्शन है वो हमारे शरीर में जाके स्लो हो जाएगा, यानी मंदा हो जाएगा, जिसकी वजह से हमारे ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा यानी शुगर की मात्रा तेजी से नहीं बढ़ेगी, डायबिटीज अनकंट्रोल नहीं होगी बल्कि डायबिटीज कंट्रोल में रहेगी। तो आपको आपका उत्तर मिल गया कि डायबिटीज में एप्पल यानी सेब खा सकते हैं और खाना भी चाहिए। लेकिन अंत में आपसे एक बात कहना चाहूँगा कि आप चाहे डायबिटिक पेशेंट हो या डायबिटिक पेशेंट ना हो, लेकिन जो भी चीज इस दुनिया में परमात्मा ने बनाई है, जैसे हरी साग सब्जियां या फिर जितने भी फल फ्रूट वगैरह मेवे वगैरह हैं, उन्हें खाने से आप कभी ना डरें। लेकिन जितनी भी चीजें हम इंसानों ने फर्मेंट करके बनाई हैं, जैसे पिज्जा, मोमोज, बर्गर, समोसा या फिर रसगुल्ला, जलेबी वगैरह, इन्हें खाने से आप जरूर डरें, क्योंकि ये कहीं ना कहीं आपके शुगर लेवल को जरूर बढ़ाएंगी ही बढ़ाएंगी। साथ ही साथ जो लोग मॉडर्न साइंस ज़्यादा पढ़ते हैं या ज़्यादा समझाते हैं उनसे भी थोड़ा सा आप सावधान रहें। मैं यहाँ किसी की बुराई नहीं कर रहा, क्योंकि वो लोग आपको कोई भी प्राकृतिक चीज़ तो खाने ही नहीं देंगे, हमेशा मना ही करेंगे, लेकिन अपने प्रोडक्ट आपको ज़रूर बेचेंगे और बोलेंगे ये हमारे प्रोडक्ट खाओ, ये बड़े सेफ हैं, ये आपके शुगर को नहीं बढ़ाएंगे। तो है ना कैसा भेदभाव कि आप मेरे प्रोडक्ट खाओ वो सेफ है लेकिन नेचुरल चीज़ें ना खाओ। तो आप सावधान रहें, प्रकृति के साथ रहें और सेब या फिर दूसरे फल खाने का आनंद लें। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें और खुश रहें।